जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट का जो रिक्रूटमेंट है। दोस्त, टोटल 129 सेंटर हैं, किस किस सेंटर में आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे लगाना चाहिए, जिसमें आपका सबसे कम कॉम्पिटिशन रहेगा। ये जो है काफ़ी बच्चों के कमेंट है कि सर ये जो है कौन कौन सी ऐसे जो है सेंटर हैं जहाँ से हम अप्लीकेशन फॉर्म को लगा दें, जिससे हमारे कंपटीशन जो है वो सबसे कम रहता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, वैकेंसी का जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, तो आप सभी के लिए जो है 129 सेंटर दोस्त, ये एक बड़ी वैकेंसी का यहाँ पे जो है संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी जो है वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंटर हैं जहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है और कैंडिडेट भी कम पहुँचते हैं, और आपकी जो है दोस्त, इसके साथ ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचते हैं उसमें कंपटीशन भी कम देखने को मिलते हैं। तो आज किस वीडियो में यही बातें जो है करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे अपने चैनल का नाम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक सेक्शन दिख जाएगा ऑफलाइन फोरम, ठीक है। तो जितने भी ऑफलाइन फोरम होते हैं या ऑनलाइन फोरम होते हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ से चेक कर लेना, ये भर्ती आपको मिल जाएगी ऑफलाइन फोरम वाले सेक्शन में। देखा, एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलिंग रिक्रूटमेंट 903 पोस्ट, और यहाँ पे आपको जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में भी यहाँ पे दी गई है। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, डिटेल नोटिफिकेशन आपको बता चुका हूँ। तो आपका आवेदन जो है दोस्त स्टार्ट हो गए थे 19 अगस्त को, 1 सितंबर 2023 आपके लिए लास्ट डेट है। तो समय बहुत कम है, और आप जितना जल्दी हो सके उतना अप्लीकेशन फॉर्म को भरने की कोशिश करें। और आपके मन में भी सवाल होगा कि कौन सी पोस्ट को हम चुनाव करें, ऑफलाइन फॉर्म आप यहां से डाउनलोड कर लेना, पूरी डिटेल्स यहां पे दी गई है, नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर लेना। चलो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, उससे पहले जो भी नए आए हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को हो सके तो उतना ज़्यादा जो है शेयर कर दो, जिससे कोई दिक्कत यहाँ पर आपको आए ना, और आपको जो है हर समय आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 02-2023 के लिए, ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, और इसमें आपके टोटल, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि टोटल दोस्तों पिछली बार थे वो 92 सेंटर थे, और पिछली बार जो कंपटीशन था वो बिल्कुल कम था, बहुत ही कम था, और आपका अब की बार कंपटीशन भी उतना ही कम रहने वाला है। दो तीन चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, दो तीन चीज़ें क्या, एक तो होता है दोस्त आपका एज का इशू, और एक होती है आपकी वैकेंसी का इशू। तो अब की बार पहले 92 सेंटर थे, अब बढ़ाकर 129 सेंटर कर दिए गए हैं। तो आप दोस्त अगर एक सेंटर के अंदर कम से कम, अगर आप हम सभी सेंटरों में 7 वैकेंसी को ही मान लें, तो आपके यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा जो है डाटा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर हैं जिनके यहाँ पे वैकेंसी जो है बड़ी है, मात्रा में है। तो मैं एक बार आप दिखा देता हूँ कितने सेंटर हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, नीचे चलते हैं थोड़ा सा और, ये देखो भाई 129 सेंटर हैं। अब यहाँ पे आती बात है कंपटीशन की, तो पहली चीज़ तो कंपटीशन पे आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्त इसका जो है ना आपका जॉब लोकेशन, सॉरी जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर जो होगा यानी वो वही एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, यानी जो आपका आप जो सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप पे फॉर्म डालेंगे जिस भी स्टेशन पे, तो ये आपका आवेदन जो ऑफलाइन फॉर्म होगा, सॉरी ऑफलाइन जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, और आपको वहीं पर भी जाना होगा। तो उस अकॉर्डिंग भी आपको एक अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, आपका स्टेट मान लो आपका राजस्थान है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर राजस्थान स्टेट है तो इस राजस्थान स्टेट में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें आपकी जो आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप गुजरात मत जाइए भाई, यहाँ आपको दूर लगेगा, दूर अगर जाना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप सुनिएगा, जैसे जो बच्चे न्यू दिल्ली के पास में आते हैं वो कोई सा भी सेंटर मत छोड़ देना भाई।
न्यू दिल्ली में जितने भी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी का पार्ट कौन सा है भाई? ये जो पार्ट है इसमें वैकेंसी अच्छी रहेगी। जो सुबर्टो पार्क है दोस्त, सुबर्टो जो पार्क है इसमें जो है आपकी वैकेंसी अच्छी खासी रहती है, ये जो सुबर्टो पार्क के अंदर है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे जितने भी न्यू दिल्ली के पास के बच्चे हैं वो न्यू दिल्ली में लगाना ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ ही अगर आपका जैसे यहाँ पे किसी का बेंगलोर में जो है तो न्यू दिल्ली का, ये भी न्यू दिल्ली का है, क्योंकि किसी में एक वैकेंसी, किसी में दो तीन वैकेंसी और किसी में चार चार पाँच पाँच वैकेंसी, और सुबर्टो पार्क में तो भाई सात आठ से भी ऊपर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन की बात करें दोस्त, जो न्यू दिल्ली है जिसमें दिए गए, उसमें बात भी है बेंगलोर, भाई बेंगलोर में भी अच्छी खासी वैकेंसी होती है आपकी। एक सेंटर पे कम से कम अगर मान के चलें तो बेंगलोर के अंदर भाई चार या पांच वैकेंसी का डाटा यहाँ पे रहेगा। इतने बच्चे नहीं जाएंगे भाई, जैसे यहाँ पे चार पांच वैकेंसी है ना भाई, 20-25 लोग ही पहुँचेंगे, क्योंकि अपने अपने स्टेशन पे ही लगाएंगे। अब यहाँ भाई बेंगलोर वाले जो कर्नाटका वाले जो भी कैंडिडेट पास में आते हैं वो सभी एप्लीकेशन फॉर्म लगाओ। अब मैं यहाँ से ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई राजस्थान के बच्चे यहाँ बेंगलोर में जाओ, ना भाई ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उसके बाद न्यू दिल्ली आ सकते हैं बच्चे, जैसे राजस्थान है तो भाई जैसे राजस्थान के अंदर जयपुर है उनके नज़दीक न्यू दिल्ली जो है पड़ता है, तो बच्चे आ सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्टेशन आता है दोस्त पुणे, पुणे भी एक अच्छा सेंटर माना जाता है जिसमें आपका वैकेंसी भी अच्छा खासा जो है यहाँ पर माना जाता है। तो आप जितने भी बच्चे हैं वो पुणे में, यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र के जो भी बच्चे हैं वो पुणे को मत छोड़ना भाई, पुणे को, ठाणे को, और आपका यहाँ पे जो पुणे ठाणे है इनमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना ही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, वो चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, आपके एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेंगे और आपके क्या एग्ज़ाम एक ही डेट को रहने वाला है, ये सारी चीज़ें एक नए वीडियो में डिस्कस की जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं केवल पोस्ट के बारे में। अब जो राजस्थान के बच्चे हैं ना भाई, आ जाओ, एक तो आपके लिए जोधपुर जो कि अच्छा है, ठीक है, उसके बाद आपके लिए जैसलमेर, जैसलमेर में भाई जोधपुर में वैकेंसी अच्छी मानी जा रही है, जैसलमेर से भी ज़्यादा वैकेंसी है, और जामनगर में तो भाई बल्ले बल्ले हैं, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। जामनगर, वडोदरा, नलिया, ये जो गुजरात के सेंटर हैं ना भाई, अगर आपकी हिम्मत है तो भाई यहाँ चले जाओ, यहाँ आपकी अच्छे खासे वैकेंसियाँ होती हैं। आप मान के चलना जामनगर में तो अच्छी वैकेंसी होती है, जो बच्चे पास में लगते हैं जिनको जाना है तो भाई जाना, यहाँ अच्छी वैकेंसी मानी है, मानी क्या है, यहाँ वैकेंसी अच्छी होती है भाई, जामनगर, वडोदरा, अफलोदी, जोधपुर। अब राजस्थान के बच्चे भाई ना तो जोधपुर को छोड़ना है ना ही आपको फलोदी को छोड़ना है। अब क्वेश्चंस आता है कि फलोदी में ज़्यादा है या फिर जो आपका, तो फलोदी में वैकेंसी अच्छी है जोधपुर की तुलना में, ठीक है। नलिया, ये जो स्टेशन है भाई गुजरात के, तो आप कोई जाना चाहे अगर इसकी हिम्मत हो तो भाई चले जाना, ये जोधपुर का है जिसमें भाई तीन चार वैकेंसी इसमें रहेगी, लेकिन फलोदी में अच्छी वैकेंसी रहती है भाई, सात या आठ के अराउंड आपकी वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर तलाई, ये तो मैं सजेस्ट नहीं करता, राजस्थान के बच्चे अगर किसी के पास में लगता है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद आपका वदासर, इसको मैं मुंबई, ये जो आपका स्टेशन, उसके बाद इनको हम सजेस्ट, जो भी कुछ पास में लगता है। देखो यार एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जिसके पास में जो सेंटर है वो ज़रूर अप्लाई कर देना, ऐसा नहीं कि आप जो है जिसमें पास में नहीं है और आप जो है पास का, तो सभी सेंटर अप्लाई करने हैं उसमें, ना तो वैकेंसी देखनी है और ना ही, क्योंकि आपको जितने सेंटर पर आप जा सकते हो उतने मैक्सिमम जाओ, क्योंकि किसी में तो आप जो है 10 मार्क्स लाने में अनुपलब्ध हो जाओगे, किसी में आप PFT यानी मेडिकल में बाहर हो जाओगे, तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्त, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। मेडिकल भी अच्छा खासा इसमें होता है, वो भी हम लगातार वीडियो में जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ बच्चे के सवाल थे कि सर व्हाट्सएप ग्रुप क्या बना रहे हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं दोस्त, और व्हाट्सएप ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल पेड रहेगा, आपको बता दें व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल पेड रहने वाला है। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और इसका जो शुल्क रखे हैं एग्ज़ाम तक भाई, एग्ज़ाम होने तक जो है आपका जो है शुल्क मात्र 40 रुपये रखा है। इसमें क्या होगा, आपका एक तो डिस्कस करने का ऑप्शन मिलेगा,
आप खुद में आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें दूसरा काम ये होगा, मैं रिप्लाई करूँगा भाई, मैं खुद जो है रिप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन इतने कैंडिडेट हो जाएंगे क्या, जैसे यहाँ पे ये पेड ग्रुप रखूँगा तो भाई अच्छे लिमिटेड सीटें होंगी, यानी लिमिटेड बच्चे ही जुड़ पाएंगे, तो उनका हम रिप्लाई भी कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे। और जो भाई सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो जुड़ ही जाना भाई, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर रिप्लाई वगैरह आपको खुद पर्सनली जो है अपडेट किया जाएगा, तो आप जो है थोड़ा सा उसमें जो है जुड़ जाना। तो ये जो समय रहेगा वो आपका लगभग दोस्त, मैं यही मान रहा हूँ कि आपका 2 मंथ जो है ग्रुप का समय रखा जाए, और 2 मंथ के भीतर भीतर आपके जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएंगे। आगे देखा जाएगा, अगर दोस्त थोड़ा बहुत भी जो कुछ अच्छा होता है तो आपको हम आगे भी जो है कुछ एक्सटेंड कर देंगे डाटा को, लेकिन एक बार 2 मंथ के लिए जो है ग्रुप को बनाया जा रहा है भाई। इसके अलावा अगर ग्रुप को फिर भी अगर एग्ज़ाम नहीं होते आपके, तो फिर आपको डिस्कस का मौका दे दिया जाएगा कि आप डिस्कस करते रहें, और जब मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, ग्रुप बना दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी जाएगी और पेमेंट डिटेल्स भी दे दी जाएगी, ठीक है। अभी मैं बात कर लेता हूँ दोस्त माउंट आबू, होश के तो चले जाना, राजस्थान के बच्चे यहाँ ज़रूर जाना भाई, वैकेंसी 5 या 6 वैकेंसी ज़रूर मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद तिरुवनंतपुरा भाई अच्छा है सेंटर, लेकिन जो पास के बच्चे हैं वही जाना, ठीक है ना। पास के बच्चे सुलर, थारनापुर, सुरजापुर, ये भाई हम जो भी पास में लगते हैं ना वो आप थोड़ा सा दिल्ली वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं भाई, चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, यहाँ चंडीगढ़ वाले बच्चे चले जाना, चंडीगढ़ जिनके भी पास में लगता है। लेकिन एक चीज़, ये सेंटर आ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, बेस्ट सेंटर है ये उत्तर प्रदेश के लिए दोस्त, 4 या 5 वैकेंसी ज़रूर मिल जाएगी कानपुर के अंदर, तो इसको जो है मिस मत कर देना। ये 4-5 वैकेंसी अगर हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट स्कोर है मेरे भाई। अवधि बिल्कुल अच्छा सेंटर है, अवधि चेन्नई अगर आप जाना चाहते हो, वैकेंसी भाई 7-8 से ऊपर मिलेगी इसमें, तो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ रहा है आगरा, सेंटर आ रहा है आगरा, महत्वपूर्ण सेंटर है, कम से कम 9 या 10 वैकेंसी मिलेगी। उसके बाद आती है बरेली, बरेली भी एक अच्छा, गोरखपुर, गोरखपुर भी भाई अच्छा है, कम से कम 3-4 जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं भाई मिस मत कर देना। इलाहाबाद को भी मिस नहीं करना है, लखनऊ सिटी है इसको भी, और ग्वालियर, ग्वालियर वाले बच्चे ध्यान दें, मध्य प्रदेश के बच्चे, ये सेंटर बहुत अच्छा सेंटर माना जाएगा आपका, जिसमें काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, 7 या 8 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, बच्चे भी कम जाएंगे और कंपटीशन भी कम रहेगा। नागपुर भी अपना सेंटर है, बिठा ये हम नहीं जानते इस भी के बारे में भी, भोपाल, भोपाल, भोपाल वाले जो मध्य प्रदेश में, भोपाल को भी, वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश, ये बच्चे भी ध्यान दें, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये मैं गोरखपुर को ऑलरेडी आपको अलर्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे आवेदन ज़रूर करें। उसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद एक अच्छा सेंटर है जिसपे आपकी वैकेंसी 5 या 4 वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। उसके बाद लेह, लेह भी और श्रीनगर, यहाँ जो भाई पास के बच्चे ही करना, और ज़्यादा भाई बहुत दूर मत जाना मेरे भाई, दूर जाओगे दिक्कत आपको है, उधमपुर वगैरह जो है। उसके बाद पालम, ये पालम जो है ना भाई, पालम दिल्ली कैंट, इसमें वैकेंसी का भंडारा मिलेगा आपको, 7-8 वैकेंसी मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू अम्बाला, एक अच्छा सेंटर है हरियाणा के लिए, सबसे बेस्ट सेंटर माना जाएगा हरियाणा, सॉरी अम्बाला, अम्बाला वाले बच्चे भाई अम्बाला में अप्लाई ज़रूर कर लेना, अम्बाला तो बहुत ही, देखो राजस्थान के बच्चे भी अगर पास में अगर चाहो तो अम्बाला में अप्लाई कर सकते हो, और देखो यार जाने की हिम्मत आपकी होनी चाहिए बट अप्लाई कर सकते हो, और 10-10 रुपये जो है आपके वो लगने वाले हैं तो वो थोड़ा सा देख लेना, बट अम्बाला यार यहाँ वैकेंसी आपको 9-10 मेरे हिसाब से ज़रूर मिलने वाली है। हलवारा ये भी है, चंडीगढ़, पठानकोट, राजगोरी, हिंदुस्तान, बठिंडा, ये एक महत्वपूर्ण सेंटर है बठिंडा पंजाब, बच्चों मिस मत कर देना, वैकेंसी का सेंटर यही है, भंडारा यहीं पे लगेगा बठिंडा। सिरसा 1-2 वैकेंसी ज़रूर मिलेगी इनमें, अमृतसर 1-2 वैकेंसी, पटियाला 1-2 वैकेंसी, यहाँ फरीदाबाद, फरीदाबाद भी 2-4-5 वैकेंसी ज़रूर मिलने वाली है हरियाणा वाले बच्चे,
सुबट्टो दिल्ली वाले बच्चे तो मैं यही कहूँगा भाई, बीकानेर अब की बार, ये राजस्थान के बच्चे एक बार कान खोलें भाई, बीकानेर से वैकेंसी निकल के आई है। वैकेंसी काफ़ी देर बाद आई है, काफ़ी समय बाद आई है, इसको मिस मत कर देना। यहाँ बताई जा रही है 7 या 8 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, तो सभी बच्चे इसको ध्यान ज़रूर देंगे। उसके बाद जयपुर, जयपुर की ध्यान रखना, जयपुर में भी वैकेंसी पहली बार आ रही है, तो किसी भी बच्चे को, राजस्थान के बच्चे, जयपुर को मिस मत कर देना भाई। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, देखो भाई मेरे भाई, बेंगलुरु मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो बेलगावी है ना, ये बेलगावी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज होती है ना, वो एयरफोर्स की यहाँ होती है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। उसके बाद यहाँ पे जलाली, जलाली में भी वैकेंसी 3-4 वैकेंसी ज़रूर है, जो भी पास में लगते हैं मेरे भाई वो अपने जो है मिस मत करना। उसके बाद मैं यहाँ पे अदर को भी सजेस्ट, देखिए मैं ज़्यादा जो है अपने के अकॉर्डिंग जो है देखने की बात आती है कि आपके पास में नज़दीकी अवधि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अवधि में वैकेंसी का भंडारा है भाई। और उसके बाद नीचे सिलीगुड़ी, सिकुरी, इसके बाद आपका पूरीना, नीचे चलते हैं गुवाहाटी, वेरी वेरी असम की सुपर फास्ट, असम का सुपर फास्ट स्टेशन है दोस्त, जिसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है असम में, वो है गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल वाले बच्चे भाई मिस मत करना। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे भी भाई 3 अब की बार वैकेंसी निकल के आई है, तो वैकेंसी उम्मीद है कि आपका 5-6 वैकेंसी ज़रूर है। तो यही पूरा का पूरा डेटा है जो आप सभी को मुझे शेयर करना था, बताना था, और आप मेरे भाई समझ भी गए होंगे, इन चीज़ों को मिस मत कर देना और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी आपको। यही चीज़ें जो है आप सभी को अपडेट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ज़िंदगी में दोस्त अगर सफलता चाहते हो, मोटिवेशन चाहते हो, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप आवेदन कहाँ पे कर रहे हो, कितनी वैकेंसी है, और आपको ये सब पता है और आपको कंपटीशन का पता है, तो आपकी सक्सेस यहीं से है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, और आप मुझे थोड़ा कमेंट कर देना, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो है क्रिएट करवा देता हूँ। और आप सभी जो है का धन्यवाद, और दोस्तों इसी प्रकार आपको अपडेट आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।